गाइस अभी मैं चूड़ा चेंज करने वाली हूँ। अभी मेरे पास ये चूड़ा है, अब मैं चेंज कर रही हूँ। रेड कलर का चूड़ा है जो कि मैं ये पहनने वाली हूँ। ये वाला चूड़ा उतार के ये पहनूंगा। गाइस देखो मैंने ये पहन लिया चूड़ा मेरा, और ये वाला मैंने निकाल दिया। गाइस हम आ चुके हैं मंदिर क्योंकि आज ट्यूजडे है। देखो गाइस, गाइस देखो आज ट्यूजडे है और ये इंसान ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आया है। बताओ ट्यूजडे को कौन ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनता है? आप देख लो गाइस कितने नालायक लोग हैं ये। तो गाइस हम रात की पूजा के लिए यहाँ से लड्डू लेने आए क्योंकि मेरा लड्डू खाने का मन था, तो सोचा कि रात को लड्डू का प्रसाद ही चढ़ा दें। भाई इस लड़के को देख लो कितना स्मार्ट लग रहा है, ये ब्लैक उसमें देखो कितने इतरा रहे हो। हो 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 जीप निकाली बाहर। भाई देखो ये रात को ना कबूतर ये यहाँ पे सोते हैं, ये यहाँ पे सो रहा है, और दो यहाँ पे ये सो रहे हैं। ये सारे ना कबूतर तार पे ऐसे सोते रहते हैं यहाँ पे बैठ बैठ के। तो गाइज अभी है ना हमने हमने मम्मी पापा और दीदी के लिए आइसक्रीम ले ली, और मैंने अपने लिए एक छोटी सी कोक ले ली क्योंकि गाइज आपको बताइए कोक तो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने इनके लिए आइसक्रीम और अपने लिए कोक, और इन्होंने कुछ नहीं लिया। ये माहिशे ने कुछ नहीं लिया है ना। मैंने कहा चलो पालक अपना खा पी लेंगे अपना, मैं कहा है। हाँ ठीक है, ओके गाइस मिलते हैं आपसे बाद में। टाटा टाटा टाटा। ए टेडी बिल्कुल याद के लिए हम लोग क्या करते हैं कैंडल बुझा देते हैं। अरे तू तो जिंदा ही है, तू बुझा क्यों रहा कैंडल? लेकिन सब कोई चीज नहीं समझाते, बुरा मान लेता है ना। सही बात, नहीं हम बुरा नहीं मानेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। गाइस हमने ना मम्मी पापा के लिए केक ले लिया है, हमें तो खाना था वैसे ही, पर हमने मम्मी पापा का नाम ले दिया उस पर, तो हमने केक ले लिया। अब घर जाके मम्मी पापा से कटवा भी देंगे और खा भी देंगे इसी बहाने। आप केक खाना, क्वालिटी देखना बिल्कुल फ्रेश, ठीक है। ये अमर बेकरी के अलावा मेरे अलावा और कोई नहीं बनाता अमर बेकरी। गाइस तो देखना, ध्यान रखना कहाँ पे। ये मदर बेकरी है, मदर बेकरी। अच्छा ये मदर बेकरी ज्वालानगर, ज्वालानगर। अच्छा ठीक है, तो गाइज आप देख सकते हो एड्रेस भी इस पे, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं और प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, तो आप लोग आ सकते हो यहाँ पे। प्राइस रीजनेबल है बहुत सारा। तो गाइज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो हंस रही है, पता नहीं क्यों। कैसे कर दे टीरेज ले क्यों? मोमबत्ती नहीं जलाई ना? मोमबत्ती क्या जलता है? इसके हिसाब से। रोहित सो गया, रोहित सो गया। चलो चलो अच्छा ना लग रही? चलो 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 चलो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बालकनी में बैठ के मामा जी से बात कर रही है। ये मम्मी की एक ऐसी सीट है जहाँ पे मम्मी आराम से बैठ के मामा जी से या फिर चाची से बात कर सकती है आराम से।
इंसान यहाँ पे बैठ के ना टीवी में क्या देखे जा रहा है, इस जानवर ने इसको खा लिया, इस जानवर और यहाँ पे इतनी देर से लेके को बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केक रखा है केक खाने से कोई मतलब नहीं है, और यहाँ रखा है दूध में अपने लिए लेके आई हुई है, वापस आकर बच्चे को छुड़ाने की कोशिश भी की लेकिन धीरे धीरे आगे बेचारे की एक न चली और तीनों देखते रह गए। एक नजर इस बकरे पर डाली जिसने अपने इलाके में एक कंगारू से लड़ाई मोल ले ली, लेकिन बेचारा भूल रहा है कंगारू बहुत आज देखो लिपस्टिक बिल्कुल सूट के मैच किया, बिल्कुल सूट के मैच किया प्रॉपर। ये देखो गाइस ये यहाँ पे गाने सुन रहे हैं और साथ में ना पता नहीं क्या मेरे से अभी इन्होंने बहुत सारा सामान कह रही, बहुत सारा काम करवाया है। ये देखो ये अपने नेल्स कटवाए हैं, नेल शेप करवाए हैं और पैर पे डी टैन करवाया है, ये सुंदर सुंदर बनना चाह रहे हैं। अभी फ़ोन आ रहा है भैया का फोन। तो गाइस अभी हो चुका है हमारे चाय का टाइम, 5:30 हो चुके हैं और दीदी ने अभी मेरे को चाय बना के दी, दीदी ने सबके लिए चाय बनाई है। तो अब देखती हूँ थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर थोड़ा सा रेस्ट करके फिर काम करती हूँ। 2 hours later गाइस दीदी अपना पीछे श्रृंगार कर रही है, अपना फेस वॉश करके आई है दीदी है हाँ। और ये गए अपना फ़ोन ठीक कराने, इनके फ़ोन की टच काम नहीं कर रही थी तो अपने ये फ़ोन की टच डलवाने गए हैं। और अभी हम लोगों ने सबने चाय भी पी ली है, मैं अभी ऐसे खाली बैठी हुई थी तो मैं दीदी को बोल रही, दीदी को मतलब स्टिचिंग वगैरह आती है तो मैं बोल रही दीदी को, दीदी मेरा एक सूट आप स्टिच कर दो, देख लेती हूँ अगर अच्छा लगेगा तो पहन लूँगी फिर उसको, नवरात्र आ रहे हैं क्योंकि अब कई जरा सूट अच्छा लग रहा है ना, तो देखते हैं अब अपना ये नया वाला स्टूच कैरी में भी नया वाला सूट अगर स्टिच हो जाता है तो ये वाला पहन के देखते हैं। बाकी चलो अभी धूप भी चली गई है, थोड़ा सा मौसम ठंडा सा हो गया है, चलते हैं थोड़ा सा काम वाम करते हैं। अभी मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, दीदी ने झाड़ू लगा लिया है। तो गाइस मिलते हैं आपसे बाद में, बाय बाय।